kalpanadubey.com। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य के वर्णन विषयों को देखते हुए इस बात पर विश्वास नहीं होता। इन्होंने अपनी कविता में विविध रंगों, बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा प्राकृतिक दृश्यों का जैसा सजीव और यथार्थ चित्रण किया है, वह वस्तुओं को देखे बिना संभव नहीं है। अतः इन्हें लोग जन्मांध मानने के मत में नहीं है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का भी उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। निर्गुण ज्ञान मार्ग के खंडन से संबंधित पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें उपमा, रूपक और वक्रोक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के मनोहारी रूपों का वर्णन करने में सूर की कला निखर उठी है। बाल लीला वर्णन में जैसी तन्मयता उनकी वाणी में मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। इनके काव्य में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, फिर भी बात्सल्य और श्रृंगार की प्रधानता है। इन दो रसों के चित्रण में तो सूरदास अद्वितीय हैं। जी के बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कव खद्योत सम जहतह करत प्रकाश। अर्थात सूर तो सूर्य के समान हैं और तुलसीदास जी शशि के समान हैं। उड़गन केशवदास, केशवदास को तारों के समान बताया गया है और कहा गया है अब के कवि खद्योत्सम, कि आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू के समान हैं, जहां तहां का करत प्रकाश, जिन्होंने कोई महान कार्य नहीं किए, जहां कहीं पर फुटकर रचनाओं के माध्यम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो सूर्य को, सूरदास जी की जो समानता है वो सूर्य से की गई है। सूरदास जी ने अष्टछाप कवियों में उनका प्रमुख स्थान था। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन्मान थे, लेकिन इस पर किंवदंतियां हैं। लोग उनके वर्णन मात्र से इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता था कि सूरदास जी को दिखाई नहीं देता। कहा जाता है एक बार जब वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण कर रहे थे, क्योंकि अष्टछाप कवियों का कवि उनके रूप सौंदर्य का और उनकी वेशभूषा का वर्णन करते थे कि सूर ऐसा सुंदर वर्णन कैसे कर देते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण को कोई परिधान नहीं पहनाए, उन मूर्तियों को वस्त्र नहीं पहनाए गए और सूरदास जी से कहा गया कि आप आज का वर्णन कीजिए। उनके ज्ञान चक्षु इतने तेज थे कि उन्होंने कृष्ण के इस रूप को देख लिया और उन्होंने जब कहा देखे री हरे नंगम नंगा, सारे लोग हैरान रह गए उनकी इस पंक्ति को सुनकर, और वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि सूर्य अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें जो दृष्टि प्राप्त थी वो साधारणतर लोगों को प्राप्त हो ही नहीं सकती। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का उन्होंने जो चित्रण किया है उसे देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि सूरदास जी देख नहीं सकते थे। उन्होंने बाल वर्णन बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सूर सागर में यह चित्रण मिलता है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूं। बालक कृष्ण मैया से कहते हैं, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, जय हो लोट अवै धरनी पे तेरी गोद न आई हो, सुरभी को पे पान न करे हो बेनी सिर न गुथयो, यानी वो जिद करते हैं कि माँ मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा और धरती पर धूल में लेट जाऊंगा। और गाय का सुरभी को पे पान न करे, मैं दूध नहीं पीऊंगा, बैनी सिर न गुथयो, और मैं अपनी चोटी भी नहीं बनवाऊंगा। जिस तरीके से बच्चे जिद करते हैं कि मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूंगा, वैसे ही बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर यहाँ पर किया गया है। और बलराम जी के शिकायत करते हैं, जैसे बच्चे शिकायत करते हैं अपने भाई बहनों की माता पिता से
कि वो यूं तंग कर रहा है, यूं तंग कर रहा है। ऐसे ही बालक कृष्ण भी आकर मैया यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मुझे बहुत चढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। मैया मुझे दाऊ बहुत चढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू यशोदा का बेटा नहीं है, क्योंकि माता यशोदा भी गोरी हैं, नंद भी गोरी हैं, तू काला क्यों है, तू कत श्याम शरीर, तेरा शरीर काला क्यों है तू। इस बात की वो जाकर माता से शिकायत करते हैं। बहुत ही सुंदर बाल सुलभ वर्णन यहाँ पर किया गया है। और माखन खाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो बड़े सरलता से, सहजता से मना करते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, मैया मैंने तो नहीं खाया, ये ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हैं, इन्होंने मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। कैसी सुंदर चेष्टाओं का वर्णन किया है, कैसे सुंदर बच्चों की जो बाल सुलभ क्रियाएं होती हैं उनका चित्रण किया है कि मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो छोटा हूँ, मेरी बाहें वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती हैं, और ग्वाल बालों ने जब ज़्यादा ही पकड़ा गया कि भाई तुम्हारे मुंह पर भी मक्खन लगा है, तो बड़ी सहजता से कह दिया कि मुझे तो ग्वाल बाल सब बैर पड़े, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और पीछे पड़कर क्या किया है, बरबस मुख लपटायो, मेरे मुंह पर लिपटा दिया है। और जब और बड़े बड़े ग्वाल बालों को गाय चराते हुए देखते हैं, गाय चराने जब वो जाते हैं तो भी माता से आग्रह करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैया हो गाय चरा बंजे हो, कि मुझे भी गाय चराने जाना है, सब लोग जाते हैं मुझे भी जाना है। और उनसे फिर ये भी कहते हैं कि माँ डरती हैं कि कहीं तुम यमुना के जल में ना कूद जाओ, कहीं तुम इधर उधर ना गुम हो जाओ, तो वो मना करती हैं, तो उनको शपथ भी देते हैं कि मैया हो न जमुन जल जे हूँ, पहले से ही कहने लग जाते हैं, जिससे पहले कि माँ कहे कि भाई वहाँ पर यमुना है तो मैं परेशानी होगी, तो वो खुद ही कहने लग जाते हैं कि मैया हो न जमुन जल जे हूँ, कि मैं यमुना के किनारे पर नहीं जाऊँगा, मैं दूर ही रहूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी कि तुम मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दो। सूरदास जी ने बात्सल्य का वर्णन तो किया ही है, उन्होंने बहुत ही सुंदर श्रृंगार रस का भी चित्रण किया है और अपनी दीनता का। प्रारंभ में सूरदास जी भक्ति भाव जो थे वो दास भाव से किया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी के सब संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि सखा भाव की रचनाएं करनी उन्होंने शुरू कर दी। और सखा भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बराबरी वाली बात, जैसे मित्रों में होती है बिल्कुल बराबरी वाली बात, कि खेलने का चित्रण भी करते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, कि खेल में कोई किसी की दोस्ती नहीं है, जो भी काम करना है वो बराबरी से करना है। और वैसे तो उनकी भक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते हैं एक बार सूरदास जी एक अंधे कुएं में गिर गए, अंधे कुएं से मतलब है जिस कुएं में पानी नहीं था उसमें वो गिर गए। एक दिन दो दिन हो गए पड़े रहे, किसी ने नहीं निकाला, और वो भी आराम से बैठे रहे, कहते हैं ठीक है मेरा बाल गोपाल आएगा तो मुझे निकालेगा। और वही हुआ, एक दिन एक बालक रूप में भगवान स्वयं आए और हाथ बढ़ाकर कुएं में उनको बाहर निकाला। जब बाहर निकल आए तो उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, समझ गए सूरदास जी कि मुझे निकालने वाला और कोई नहीं है, मेरा गोपाल ही है। बड़े नम्रता से कहा उन्होंने, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, जो हृदय से जाओगे सबल बदोंगो तोए। अपनी भक्ति पर इतना विश्वास, इतनी आस्था, उनसे शर्त लगाते हैं कि मेरे हृदय से जाकर दिखाओ, तुम मुझे निर्बल समझकर मेरे से हाथ तो छुड़ा सकते हो मुझसे, लेकिन मेरे हृदय से जाओ
तब मैं तुम्हें सबल बदोंगा तो तब मैं तुम्हें ज्यादा शक्तिशाली मानूंगा। ऐसे मैं नहीं मानता। कल्पनादुबे.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।